आगे बढ़ते हैं। पुतिन से किसने की यूक्रेन में न्यूक्लियर अटैक की अपील? वॉर जोन में इस वक्त कहां घिर चुके हैं रूस के 5,500 सैनिक और यूक्रेन के 15% क्षेत्रों के विलय के बाद अब पुतिन का क्या है अगला मिशन? बैटलफील्ड से जुड़ी इन सभी खबरों को देखिए टॉप 9 रूस वर्सेस यूक्रेन में। रूस यूक्रेन जंग के बीच चेचन कमांडर कादिरोव की पुतिन को दिए एक सुझाव से न्यूक्लियर वॉर की आशंका बढ़ गई है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना को मिली हार से बौखलाए कादिरोव ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन को अब कम असर वाले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। पुतिन के कई अन्य सहयोगियों ने भी बड़े एक्शन का आह्वान किया है। यूक्रेन के डोनेस्क में रूसी सेना ने लॉजिस्टिक हब लाइनमैन में यूक्रेनी फोर्स ने जबरदस्त वापसी की है। यहां रूसी सेना को भारी नुकसान का दावा है। सूत्रों के मुताबिक चेचन कमांडर कादिरोव ने इस हार के लिए रूसी कमांडरों को फटकार लगाई है। कभी चेचन लड़ाकों ने यहां भीषण जंग लड़ी थी और रूस को जीत दिलाई थी। डोनेस्क के लाइमन में रूस और यूक्रेन के बीच अभी कई मोर्चे पर भीषण जंग जारी है। यूक्रेन ने लाइमन को चौतरफा घेर रखा है। यूक्रेन के पूर्वी बलों के प्रवक्ता सेरही चेरेवेती ने दावा किया है कि यहां रूस के करीब 5,500 सैनिकों को यूक्रेनी फोर्सेस ने घेर रखा है। सेरही के मुताबिक रूसियों के सरेंडर पर ही हमले बंद होंगे। यूक्रेन की आर्म फोर्सेस ने डोनेस्क के एक और इलाके में कब्जे का दावा किया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भीषण संघर्ष के बाद लाइमेन के करीबी दोविशेव में भी यूक्रेनी एयरबॉर्न ब्रिगेड ने अपना झंडा फहरा दिया है। ये डोनेस्क का वो इलाका है जिसे रूस ने आजाद घोषित किया है। जनमत संग्रह वाले क्षेत्रों में यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए हैं। जापोरिजिया और खेरसोन के मास्को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद से यूक्रेनी सेना के हमले तेज हो चुके हैं। जापोरिजिया में यूक्रेनी बलों ने रूस के अटैक हेलीकॉप्टर KA-52 को मार गिराने का दावा किया है। दूसरी ओर खेरसोन के बरिसलेव में भी एक रशियन एलिगेटर और ओडेसा ओब्लास्ट में रूस के एक R-10 ड्रोन को तबाह किए जाने का दावा किया गया है। जंग के बीच यूक्रेन ने रूस पर ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट के डायरेक्टर जनरल मुराशोव को किडनैप करने का आरोप लगाया है। यूक्रेनी स्टेट न्यूक्लियर कंपनी एनर्गोटेम के मुताबिक ज़ापोरिज़्या को मॉस्को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किए जाने के कुछ देर बाद ही मुराशोव को नजरबंद कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन की शिकायत पर IAEA ने न्यूक्लियर सेफ्टी मैंडेट के तहत रूस से जवाब मांगा है।